नमस्कार प्रिय साथियों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की हमारी वीडियो मीन राशि एवं मीन लगन वाले जातकों के लिए समर्पित है। आपका भाग्य मंत्र कौन सी ऐसी साधना है जिसके करने के उपरांत आप समस्त प्रकार की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका भाग्य रत्न आपके कारक और मारक ग्रह और मीन राशि वाले जातकों के लिए वह संपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए मित्रों, विषय में आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली खोलते के साथ ही मीन राशि वाले जातकों को तीन ग्रहों का अध्ययन करना चाहिए। आपके नौवें घर के स्वामी, भाग्य के स्वामी मंगल, आपके लगन के स्वामी बृहस्पति और जो कर्म स्थान के स्वामी भी हैं, और पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा। मंगल और आपके गुरु और चंद्र। साथियों, आपकी राशि से नौवें स्थान में पड़ती है ये वृश्चिक राशि। तो आपकी जन्म कुंडली में मंगल के अति बाल्य अति वृद्ध अवस्था में होने पर, कमजोर होने पर आपकी पूरी कुंडली कमजोर पड़ जाती है। कैरियर में बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं। तो मंगल के कमजोर होने पर मूंगा रत्न आप धारण करें और मंगल से संबंधित समस्त उपाय करें। बृहस्पति के कमजोर होने पर, चूंकि आपके लगन के और दशम भाव के स्वामी हैं, तो बृहस्पति के कमजोर होने पर आप मेहनत परिश्रम करके कुछ कमा तो लोगे, लेकिन वह आपके काम में नहीं आएगा। तो यदि मंगल और गुरु इन दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह कमजोर है, तत्काल उसका उपाय करें। तीसरा, चंद्रमा आपके पंचम भाव के स्वामी है कुंडली में, तो चंद्रमा कमजोर होने से इसका दुष्प्रभाव आपकी संतान और शिक्षा पर जाएगा। ठीक है, तो जन्म कुंडली में सबसे पहले आपको ये तीन ग्रहों का अध्ययन करना है और इनमें जो भी कमजोर है उस पर काम करना है। आपका भाग्य रत्न है मूंगा और पुखराज, शिक्षा के लिए मोती आप धारण कर सकते हैं। श्री भैरव जी महाराज की, चूंकि आपके भाग्य के स्वामी मंगल ग्रह हैं, तो श्री भैरव जी महाराज की उपासना करने से आप समस्त प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से लड़ झगड़ के उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और भैरव जी के किसी भी बीज मंत्र का जाप करें, अमावस्या और शनिवार के दिन विशेष रूप से साधना करें। तो साथियों, यह साधना आपके जीवन को बदल देने वाली और समस्त प्रकार की समस्याओं पर आपको विजय दिलाने वाली होगी। और जिन लोगों की श्री हनुमान जी महाराज में आस्था है, वह श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करके भी सभी प्रकार की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, एक तरह से जीत हासिल कर सकते हैं। तो दो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार दो देवता आपके लिए विशेष हैं, श्री भैरव जी और श्री हनुमान जी। जिसकी जिस देवता के प्रति आस्था हो वह उनकी साधना कर सकता है। आइए विषय में आगे बढ़ते हैं। आपकी जन्म कुंडली में कारक ग्रह हैं गुरु और चंद्रमा, क्योंकि गुरु लगन और दशम के स्वामी है, चंद्रमा पंचम के स्वामी है। तो इन दो ग्रहों की महादशाएँ आपको करोड़पति बनाने वाली होंगी। मार्केश है आपके बुध। किसी भी ग्रह की महादशा में बुध की अंतरदशा या बुध की महादशा आपके लिए विशेष रूप से आपको ब्लड इन्फेक्शन से बचना होगा। ठीक है, तो बुध की महादशा या बुध की अंतरदशा आपको आपकी हेल्थ को, यानी कि आपको बीमार और बहुत बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो बुध की महादशा और अंतरदशा में आपको बचाव रखना है। गुरु और चंद्रमा की महादशाएं और अंतरदशाएं आपका करोड़पति योग बनाएंगी। अब कुछ विशेष चर्चा कर लेते हैं। जन्म कुंडली में गुरु और मंगल को आपको मजबूत बना करके रखना है, मंत्र से, तंत्र से, उपाय से, दान से, पुण्य से, व्यवहार से, जैसे बन पड़े। और बुध की महादशा
और बुध की अंतरदशा में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान आपको रखना है। पुखराज रत्न हमेशा ही आपको सपोर्ट करेगा, हर तरह से सपोर्ट करेगा, क्योंकि पुखराज रत्न आपका कर्म स्थान के स्वामी गुरु हैं और लगन के स्वामी भी हैं। तो पुखराज रत्न अच्छे ज्योतिषी की सलाह से अवश्य आपको धारण करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं, ठीक है। बुधवार के दिन आप कोई बड़ी डील, बड़ा लेन देन, किसी कागज पर हस्ताक्षर या कोई बड़ा काम ना करें, क्योंकि वह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो यह थी मेन लगन एवं मेन राशि वाले जातकों के विषय में कुछ छोटी छोटी पर बहुत काम की बातें। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।